अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। चैनल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर जी करते हैं जी आज का व्लॉग स्टार्ट। तो आज दुबई में गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा। तो आज थोड़ा वीडियो मैंने ख़ुद भी लेट बनाई क्योंकि थोड़ा काम काज था, इस वजह से आए हुए थे हम जी एक इंडस्ट्रियल एरिया अल नादा वाली साइड पर। ये आपको दिखा सकता हूँ, मैं ये देखिए जी, ये सामने सारे हैं जी वेयर हाउस। और यहाँ से दी अभी सिग्नल क्या वेट कर रही हैं सब। अच्छा जी, सिग्नल हो गया है जी ओपन। तो अभी हम जाने लगे हैं घर की तरफ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप सर के ऊपर है। और काम हो गया जी अभी ख़त्म, तो अभी स्टार्ट करते हैं लंच। लंच का टाइम होने वाला है और जिसके साथ ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज थर्सडे है। दुबई में दो छुट्टियां हो जाती हैं, जुम्मा और हफ्ते को। तो इस वजह से थर्सडे को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। यहाँ से लेते हैं जी टर्न राइट और अभी चलते हैं जी इसके तरफ। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो पंजाब के बेशतर इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, बट दुबई में अभी तक भी बारिश नहीं हुई। अभी यहाँ पे गर्मी का सीज़न स्टिल अभी भी है पड़ा, तो बारिश जैसे ही यहाँ पे होगी तो गर्मी का जोश जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। और जी सामने आई थिंक और ये सिग्नल है ग्रीन, बट मेरे पहुँचने तक हो जाएगा रेड और हो भी गया रेड, देखेंगे कहने से पहले भी हो गया। तो अभी मैं हूँ इस साइड पे नादा वाली साइड पे, सामने वगैरह देख सकते हैं जी। ये राइडर वहीं जा रहे हैं और ये सामने हमें साइन बोर्ड मिल रहा है अल मुंजर का, अल कसेस और अल मदीना अल नादा। तो हमें चलना है जी सीधा अल मदीना बोर्ड के ऊपर। अच्छा जी, सिग्नल है स्टिल रेड, मैंने आपको कहा भी था मेरे पहुँचने तक हो जाएगा रेड बटा रेड। तो अभी कह रहा हूँ मैं यहाँ पे अल नादा वाली साइड पर वेट कहते हैं, जब सिग्नल ओपन होगा तो यहाँ से निकलते हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो अभी मैं जाता हूँ सबसे पहले लंच और उसके बाद कुछ और। चलें जी, सिग्नल हो गया ग्रीन, तो अभी हम जा रहे हैं फिर अगेन, अभी जाने लगे हैं। तो ट्रैफिक आज थोड़ी बहुत ज़्यादा है, शुक्र है कि मैं बहुत जल्दी निकल आया हूँ वहाँ से। अगर मैं थोड़ा डिले हो जाता तो मुझे ट्रैफिक का सामना करना पड़ता। ये जा रही है कंस्ट्रक्शन ट्रेन, मे भी कहीं ना कहीं पर जा रही होगी। तो ये अभी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसमें। तो यहाँ पे स्कूल बसें जो हैं भाई, स्कूल बसें जो हैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी केयर करनी पड़ती है। अभी तो वैसे 1000 फाइन उन्होंने इशू कर दिया कि जो इसका साइन बोर्ड स्टॉप का क्रॉस करेगा उसके लिए। अच्छा जी, ये रोड जाता है शारजा जबल अली की तरफ और ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ब्रिज के सामने है, बल्कि यहाँ से दिखाता हूँ, ये रोड जा रहा है जी शारजा की तरफ। सामने ये है शारजा और ये है जी दुबई। ये देखें जी, ये है दुबई। तो यहाँ पे दुबई स्टेडियम भी पास है और उसके बाद ये है जी अल मुंजर की तरफ, ये रोड जाता है अल मुंजर बीच की तरफ। तो ये देखें जी, फिश मार्केट का भी यहीं से भी है। चलें जी, फिर से लंबी कतार मिल गई मुझे ट्रैफिक की, फिर से लंबी कतार मिल गई। अभी टाइम हो रहा है जी पौने दो, तो शुक्र है कि पौने दो ही मैं वहाँ से निकल आया, अदरवाइज़ यहाँ से मैं लेट हो जाता। फिर से साइन बोर्ड मिल रहा है अबू हेर और देरा, तो हमें चलना है अबू हेर और देरा की तरफ। सिग्नल लेता है जी टाइम बहुत ही ज़्यादा, दुबई में बहुत ही जगह जगह के ऊपर सिग्नल है, जगह जगह के ऊपर। इसीलिए जब मुझे लाइसेंस नहीं मिला था तो मैं सोचता था कि यार मुझे भी लाइसेंस मिलेगा, मैं भी इस रोड के ऊपर ड्राइव करूँगा। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि मुझे ना मिलता तो अच्छा था, बस ड्राइवर के साथ बैठते थे कहीं ना कहीं जाते थे तो बस फीलिंग नहीं आती थी। तो अभी बहुत बंदा थक जाता है ट्रैफिक में फंस फंस के, बहुत कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है मुझे तो बहुत ज़्यादा। निसान पेट्रोल जी 2021। अरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सिर्फ 10 सेकंड का सिग्नल ओपन हुआ है फिर बंद हो गया। तो देखे अभी जगह जगह के ऊपर ऐसे ही सिग्नल और जगह जगह के ऊपर ऐसे ही सिग्नल की वजह से बंदा बोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। जब जल्दी हो तब सिग्नल बिल्कुल ऐसे करेगा और जब बंदे को आराम कंफर्टेबल फील हो रहा हो कि मैं आराम से जाऊं, तब
तब सिग्नल फटाफट से खुलेगा, जल्दी जल्दी से खुलेगा। चलो जी सिग्नल खुल गया फिर से, जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, लगाओ गाड़ी को लगाओ। चलो जी फिर से अभी देखते हैं जी, ट्राई करते हैं शायद सिग्नल। अच्छा जी यहाँ पे ये देखें जी, पाकिस्तान में GLI टोयोटा और ये कैमरी गाड़ियों के ऊपर लेके जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं बंदे, लेकिन यहाँ पे है कैमरी टैक्सी, ये जा रही है टोयोटा कैमरी, ये जा रही है। पाकिस्तान में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, दुबई में गाड़ी में कोई डिमांड नहीं है, क्योंकि एक से एक बढ़कर यहाँ पे गाड़ी है और एक से एक बढ़कर इम्पोर्टेंट और एक्सपेंसिव गाड़ी है यहाँ पे। चलो जी पे सिग्नल, अभी हम पहुँचा है जी सेंचुरी मॉल की तरफ। ये है जी सामने सेंचुरी मॉल, राइडर वाले भाई थोड़ा देख के, ये रहा जी सेंचुरी मॉल, ये रहा जी सेंचुरी मॉल, कैरफोर भी इसके अंदर है और मे बी फास्ट फूड और सब कुछ शॉप शॉपिंग के लिए जो भी आपको चाहिए। तो अभी फिर से सिग्नल का फेस करना पड़ रहा है मिस। अच्छा जी फिर खुल गया जी सिग्नल, तो जल्दी करो भाई चलें जी, भूख लगी है बहुत ज़ोर से। जगह जगह पे कैमरे, जगह जगह पे सिग्नल, दुबई की है ये सबसे खासियत कि यहाँ पे कोई भी गाड़ी कोई भी आदमी या कुछ इस तरीके से भी मतलब कि अनलीगल नहीं हो सकता, फौरन ही कैमरे की मदद से सब कुछ है। अगर यहाँ पे एक सिंपली शॉप भी है तो विदाउट कैमरा और मे बी कुछ और रिक्वायरमेंट है उनके अलावा शॉप आपकी पास भी नहीं हो सकती और वो ना ही आप उसको चला सकते हैं। तो दुबई की ये बात बहुत अच्छी है, अगर रात के 2 बजे भी आप या 3 बजे भी यहाँ पे, बहुत सिक्योर है, बहुत सिक्योर, बहुत कम्फर्टेबल बंदा फील करता है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मतलब के रेजिडेंट्स और अपनी फैमिली को यहाँ पे अफोर्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली मतलब के हर चीज़ में सख्ती है, कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, कोई किसी के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकता, लड़ाई झगड़ा ये वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सिक्योर है, सिक्योर कंट्री है बहुत ज़्यादा। रात के 3 बजे या 4 बजे 2 बजे अगर आप बाहर भी हैं तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी भी चीज़ का, कि कोई आपसे कुछ कोई चीज़ खींच लेगा या कुछ। पुलिस वाले भी यहाँ, पुलिस भी आपको ये नहीं कहेगी रात के 2 बजे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। हाँ सिग्नल 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 फिर जी सिग्नल, और ये रहा अल मंजर की तरफ जाते हुए, और ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी मॉस्क। फाइनली जी सिग्नल हो गया, बस अभी घर के मैं बिल्कुल पास ही हूँ। ये ब्रिज आपको पहले भी वीडियो में नज़र आया होगा, जब ये नज़र आ जाता है तो समझे मैं घर जा रहा हूँ और घर के बिल्कुल पास हूँ, ऐसी बात है ना। तो अभी कल है वीकेंड फ्राइडे, और फ्राइडे को कहाँ पे जाना चाहिए, जाना चाहिए तो ग्लोबल विलेज जाना चाहिए। तो इंशाल्लाह कल की वीडियो बनाएंगे जी ग्लोबल विलेज के लिए। तो अभी चल के देखते हैं जी पार्किंग हमें कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि दुबई में पार्किंग का बहुत इशू, सबसे बड़ा इशू जो है 13 में। ओह शिट यार 13 में इतना ट्रैफिक और इतना बंदा जलील हो जाता है ना, आपकी सोच भी नहीं है। पाकिस्तान में तो बंदा जहाँ पे भी गाड़ी लगा सकता है लगा दे, कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे इम्पॉसिबल है भाई, इम्पॉसिबल है। ये देखें जी ये गाड़ी वाला निकाल रहा है, यहाँ पे तो पार्किंग है पड़ी है लेकिन यहाँ पे मुझे लगाना नहीं है, मुझे पार्किंग लगानी है अपने घर के पास आस पास। पार्किंग लगा ली जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी पहुँचा है खैरियत से। और पार्किंग लगाने के बाद पहले करते हैं लंच, बाबा जी लंच, उसके बाद कुछ और। फाइनली जी पार्किंग मिल गई है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये मिली ये मिली ये मिली। चलो जी फाइनली पार्किंग गई है मिल, और गाड़ी से निकलते हैं बाहर, बाहर है जी गर्मी बहुत ज़्यादा, तो गाड़ी को करते हैं लॉक और उसके बाद चलते हैं घर की तरफ। घर की तरफ चल के कुछ देखते हैं, शायद कुछ बनाओ खाने के लिए या कुछ पीने के लिए, भूख लगी है गज़ब की। चलें जी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तो मुझे दें इजाज़त। और हाँ जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, इससे मेरी कोई भी वीडियो होगी तो वो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। ठीक है जी अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।